इस मानव भूगोल में प्राकृतिक कारणों का और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक कारकों का और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। मानव होता है उसका केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल में मानव केंद्रीय बिंदु है। केंद्रीय बिंदु है। मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। ये प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है। तथा प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होकर सांस्कृतिक कारकों का निर्माण करता है। तथा इन सांस्कृतिक कारकों के आधार पर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। इसी समायोजन के आधार पर मानव भूगोल में तीन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। दूसरा आपका है क्वांटमीय एकता का सिद्धांत, इसे अंतर्संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा आपका है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये तीन आपके सिद्धांत हैं मुख्य। आपका पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। मनुष्य के चारों ओर विद्यमान जो भी भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारकों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, बदलते रहते हैं। सभी कारक परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण इनमें सांस्कृतिक और भौतिक कारकों में परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी अपनी है वो भी परिवर्तनशील है, और विभिन्न प्रकार के जो भी वातावरण के कारक हैं जैसे तापमान है, जलवायु है, इन सब में भी परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चाहे प्राकृतिक तत्व हैं चाहे सांस्कृतिक तत्व है, उनमें क्षण प्रतिक्षण बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये सिद्धांत कहलाता है आपका परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। हर वस्तु क्रियाशील है, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वस्तु आपकी सजीव हो निर्जीव हो, हर वस्तु में क्या है क्षण प्रतिक्षण है वो परिवर्तन हो रहा है। वस्तु चाहे जड़ हो चेतन, सजीव निर्जीव, सभी वस्तुओं में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य स्वयं पृथ्वी और सांस्कृतिक कारकों में समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है, बदलते रहते हैं। इसी बदलते ही रहते हैं ये सिद्धांत आपका कहलाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। इस क्रियाशीलता के सिद्धांत को सबसे पहले भूगोलवेत्ता हुए जीन ब्रूस, इन्होंने क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी क्वेश्चन सीधा से प्रश्न पूछा था कि क्रियाशीलता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने दिया था। कौन सा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, किसने दिया था, भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे हुए थे उसमें आपका सिद्धांत था जीन ब्रूस। जीन ब्रूस क्या कहते हैं कि मनुष्य से संबंधित प्रत्येक वस्तुएं परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपकी क्या है वास्तव में कुछ भी गति रहित हो या परिवर्तन रहित हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें गति नहीं हो रही हो। प्रत्येक वस्तु क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। उसमें या तो वो वस्तु बढ़ रही है या तो क्या है वस्तु बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसमें गति रहित हो, जो वस्तु गति रहित हो या परिवर्तन रहित हो। इसके बाद में ये जो आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत है इसको निम्नलिखित अपन तीन पॉइंटों में इसका अध्ययन करते हैं। पहला आपका है भौतिक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियों में अपने चार भागों में इसको बांटा है। पहला आपका पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, तीसरा आपका सौर शक्ति और चतुर्थ आपका है गुरुत्वाकर्षण बल।
ऐसे ही आपका दूसरा पॉइंट है जैविक शक्तियां और तीसरा है मानव शक्तियां। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है पृथ्वी के क्रियाशीलता के सिद्धांत में पृथ्वी पर जितने भी सजीव और निर्जीव है इनमें परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन में आपके समय के अनुसार बदलाव होता रहता है, ये बदलाव आपका चाहे पसंद हो चाहे जीव जंतु हो, इनमें तीन प्रकार की प्रक्रिया उत्पत्ति होती है, सबकी विकास होता है और लास्ट में समाप्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, फसल की उत्पत्ति होती है, विकास होता है और लास्ट में समाप्त हो जाते हैं। जीव जंतु जितने भी हैं सबकी उत्पत्ति होती है, उनका विकास होता है और लास्ट में समाप्त हो जाते हैं। मानव में क्या है, पहले मानव की उत्पत्ति होती है, मानव का विकास होता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो ये प्रत्येक फसलों जीव जंतुओं में उत्पत्ति विकास और समाप्ति की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यही आपका है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में जैसे प्रत्येक वस्तुएं हैं, फिर भौतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण सब में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक भाग जैसे स्थूल भाग है उसका अपरदन हो रहा है, अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा, अपरदन के विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, जैसे नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, कटाव होता रहता है, वो कटाव होने के बाद में वो छोटे होने घट रहे हैं, उनका पर्वतीय भाग है उनका उत्थान होता है, अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा उनका क्या हो जाता है, उनका पर्वतीकरण की क्रिया होती है या वो नीचे की तरफ कटाव होता रहता है। इसी प्रकार से हिम है वो पिंगल कर क्या है कि सागर में जाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी आपके मौसम संबंधित जलवायु संबंधित कारकों हैं, तापमान है, आपका आर्द्रता है, आपका वायु दाब है, उसमें भी क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अपने पृथ्वी जिस पर अपन निवास करते हैं इसमें भी क्या है क्षण प्रतिक्षण है परिवर्तन होता रहता है, इसमें भी दिन रात के बनने की क्रिया है, इसमें भी आपके क्या है कि ऋतुओं में परिवर्तन है, ये क्रिया होती रहती है। तो इन सबका अपन अध्ययन है, इस आधार पर अपन इसको तीन पॉइंटों में बांट लेते हैं, भौतिक शक्तियों में, आपके जैविक शक्तियों में और मानव शक्तियों में। तीन भाग हैं, परिवर्तन है आपको बताया था कि सजीव में निर्जीव में दोनों में होता रहता है। तो पहला अपना है भौतिक शक्तियाँ, भौतिक शक्तियों में पहला आपका है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध में पृथ्वी के सौर परिवार के 9 सदस्यों में से पृथ्वी भी अपने एक सदस्य है। पृथ्वी में भी क्या है कि दो प्रकार की गतियां होती है, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण, ये दो गतियां होती है। इन दोनों गतियों के कारण से पृथ्वी पर बहुत सारा परिवर्तन होता है। इन गतियों में परिभ्रमण मतलब अपनी जगह पर घूर्णन करना, इसका दूसरा क्या नाम है घूर्णन। पृथ्वी अपने आप घूर्णन करती है और घूर्णन करने के कारण से दिन रात बनती है, विभिन्न प्रकार की धाराएं चलती है, वायु दाब में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, ये सब परिभ्रमण के कारण से होता है। दिन रात का बनना होता है, ये सब परिभ्रमण गति के कारण से होता है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी से भी क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के कारकों में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है, और परिक्रमण करने के कारण से क्या हो रहा है कि दिन रात बीच में बनती है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं, सब इस प्रकार से इसे परिक्रमण कारण से होता है। तो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के कारण से भी बहुत सारा परिवर्तन होता है, इस पृथ्वी के ऊपर भी, और पृथ्वी बहुत सारा परिवर्तन लाती है। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि प्रत्येक वस्तु है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है, इसके कारण से भी आपकी क्या है परिभ्रमण कारण से दिन रात वायुदाब में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, धाराओं में परिवर्तन, ये सब किसके कारण से होता है, इससे पृथ्वी घूर्णन गति के कारण से होता है। परिक्रमण के कारण से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऋतु परिवर्तन था, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी आपकी बरसात होती है, सब परिक्रमण के कारण से होती है। कभी आपके क्या है दिन रात छोटे बड़े होना, रात दिन
कफ छोटा बड़ा, ये भी किस प्रांत से होता है? इसी परिक्रमण नदी का, तो पृथ्वी भी परिवर्तन लाता है। दूसरा अपना पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। एक शक्ति का नाम है आपका है महादेश जनक बल। ये महादेश जनक बल होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगता है, दीर्घकालीन बल है, लंबे समय तक अपना बल लगता है, दिखाई नहीं देता है, और ये अपना कार्य धीरे धीरे करता है, और इसका परिणाम है वो लाखों हजारों वर्ष बड़े बाद में परिणाम प्रकट होते हैं। जैसे किसी भूभाग का ऊपर की तरफ उठना, नीचे की तरफ धसना, महाद्वीपों का उठ के दूसरे स्थानों पर जाना, महाद्वीपों के आपस में टकराना, इतनी भी गतियां हैं कि महादेश जनक पर्वतों का निर्माण है। आपने पर्वत बनते देखा नहीं, क्योंकि पर्वतों को बनने में क्या है कि लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये बल कौन सा कार्य काम कर रहा है? आंतरिक बल कार्य कर रहा है। आंतरिक बल कौन सा है? महादेश बल। इसके परिणाम लाखों करोड़ों वर्ष बाद में परिवर्तित होता है। लेकिन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या है? लाखों हजार वर्ष बाद में हो रहा है, लेकिन किसमें हो रहा है? कि इसे पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन हो रहा है, पर्वतों का बनना। इसमें क्या किया गया? पर्वत बनना, पर्वतों का निर्माण किसी भूभाग का ऊपर उठना तथा नीचे धसना, नीचे धसना, ये सब किसके कारण से होते हैं? महादेश बल। इस बल के कारण से, इस बल के जो परिणाम है उसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, क्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। दूसरी शक्ति पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में से ही दूसरी शक्ति आपकी है आकस्मिक। इसमें कुछ ही क्षण में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ये शक्ति कहलाती है आकस्मिक शक्ति। आपने भूकंप ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, ये कुछ ही क्षणों में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सकती है। इस शक्ति का नाम है आकस्मिक शक्ति। ये दो नंबर की है आपकी। ये भी पृथ्वी में बहुत सारा परिवर्तन लाती है। भूकंप आ जाता है पृथ्वी को, तहस नहस हो जाते हैं पूरी पृथ्वी के, वो भागे मकानों का दहना, पुल का दहना, सब आकस्मिक शक्ति कहाँ से होती है? इसमें ज्वालामुखी की क्रिया है और भूकंप की क्रिया है, अचानक होती है, शीघ्र परिवर्तन होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक प्रकट हो जाती है। इस शक्ति का नाम है आकस्मिक शक्ति। तो आपके समझ में आ गया पृथ्वी के ग्रहीय समय, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें है सौर शक्ति। सौर शक्ति भी पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारा परिवर्तन लाती है। इस सौर शक्ति का मतलब है सूर्य से आने वाला प्रकाश। सूर्य के आने वाला प्रकाश के कारण से भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। इसमें जो सूर्य के द्वारा वाले प्रकाश से दिन रात बनता है, विभिन्न प्रकार के जैसे वायुदाब है, वायुदाब में भी कम बेसी होता है, जहाँ सूर्य की किरणें और तापमान और जो वायुदाब है उसमें उल्टा संबंध होता है। तापमान जहाँ अधिक होता है वायुदाब वहाँ कम होता है, और जहाँ तापमान कम होता है ध्रुव पर कम होता है वहाँ पर वायुदाब होता है अधिक होता है। तो सूर्य का आने वाला प्रकाश है ये तापमान, जितने भी कोहरा आपका जो तुषार हिमपात की क्रिया है, बादल का बनना है, बरसात होनी है, ये सब क्रियाएं क्या है? सूर्य के कारण से होती है। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन लाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश है। इसलिए जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होने के कारण से सूर्य को क्या करते हैं, इस पृथ्वी पर जितना भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका मूल कारण या मूल स्रोत उसको माना जाता है सूर्य को माना जाता है। सूर्य क्या है? इस पृथ्वी पर जितना बदलाव है उसका नियंत्रण करता माना जाता है, और संचालन करता भी किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। सूर्य के कारण से बहुत सारा परिवर्तन होता है, आपको बताया है मैंने, मौसम में जलवायु में आपका परिवर्तन होता है, विभिन्न प्रकार के जो भी वायुदाब में परिवर्तन होता है, दिन रात का बनना है, जो सूर्य का भाग सामने आ रहा है पृथ्वी का वहाँ दिन हो जाता है, पीछे वाले भाग में रात हो जाती है। प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, इसके कारण से दिन रात बनते हैं। विभिन्न प्रकार की धाराएँ खुलती है, उस पर भी सूर्य का दाब का प्रभाव पड़ता है, जो भी आपके जितने भी वायुदाब है आपका इन सब में सूर्य, तो उसको ज़्यादा इतने पृथ्वी पर ज़्यादा कार्यक्रम परिवर्तन होने के कारण से सूर्य को जितने भी कार्य है उनका नियंत्रण करता है और संचालन करता भी माना जाता है। तीसरा आपका चौथा पॉइंट आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है कि पृथ्वी पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से भी क्या है कि जो वायुदाब है वो क्या जितने भी ग्रह है वो अपने संतुलित अवस्था में रहते हैं। प्रत्येक ग्रह क्या है कि एक दूसरे को अपने आकर्षक शक्ति के कारण से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षक शक्ति के कारण से क्या संतुलित अवस्था में रहते हैं, और ग्रह में आपस में संतुलन बना रहता है। तो किस बल के कारण से रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से रहता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही जो पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है वहाँ वायुदाब होता है वो अधिक मात्रा में मिलता है,
और जो वायुमंडल को जो इकट्ठा कर रखा है वो किसके कारण से होता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल, जितने भी गैसें हैं वो किस मंडल किस कारण से जुड़ी हुई है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही पृथ्वी चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण है। इसी कारण से जो वायु का भार है या वायु दाब है या वायु भार है पृथ्वी के नीचे वाले भाग में अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि अपनी तरफ खींच ली है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जितना भी वायु दाब है या वायु का भार है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की तरफ है वो अधिक मात्रा में है, जैसे जैसे उत्तर की तरफ कम जाते हैं ऊपरी तरफ जाते हैं तो जो वायु दाब होता है ये कम जाता है। और जितने अब आपने देखा होगा कि कोई वस्तु ऊपर से अपन नीचे की तरफ फेंकते हैं तो नीचे से अंतर आती है, किस बल के कारण से आती है, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से आती है। आपने देखा होगा कि नदी है, नदी का जल है हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल करता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से भी पृथ्वी के धरातल है इस पर बहुत सारा परिवर्तन आता है, बहुत सारा क्या है कि जितने भी जीव जंतु है जीवमंडल है उस पर सबसे अधिक क्रिया कौन काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। स्थलमंडल हो जलमंडल हो चाहे वायुमंडल हो सब में गुरुत्वाकर्षण बल है ये अत्यधिक मात्रा में कार्य करता है, इसके कारण से भी बहुत सारा परिवर्तन होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा कारक अपना है जैविक शक्ति। जैविक शक्तियाँ भी वातावरण में या पर्यावरण में बहुत सारा जो परिवर्तन लाती है, इसे जैविक शक्तियों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं, जीव जंतु और वनस्पति। पहले अपन चर्चा वनस्पति ये करते हैं, वनस्पति में ये वनस्पति है ये दो प्रकार का कार्य करती है, एक तो मिट्टी का संरक्षण करती है, मिट्टी को अपने कणों को अपने जड़ों के अंदर बांधे रखती है, अपरदन की मात्रा को कम कर देती है। मिट्टी जड़ों में क्या होता है, नमी होती है, नमी के कारण से जितने भी जो कण है मिट्टी कण है वो बंधे रहते हैं तो मिट्टी का क्या होता है, संरक्षण होता है, अपरदन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी तरफ क्या है, ये अपरदन की मात्रा को बढ़ा भी देती है, अपरदन की मात्रा को बढ़ा भी देती है। जैसे आपने पीपल देखा होगा, नीम देखा होगा, बरगद देखा होगा, इनकी क्या होती है, जो तना होता है जड़ होती है, जड़ अंदर तक प्रवेश करती है, जैसे जड़ अंदर प्रवेश करती है तो वहां की चट्टानों को क्या कर देगी, ये चट्टानों को तोड़ देती है, चट्टानों को तोड़ देती है। टूटने के कारण से क्या हो जाता है, चट्टानों को टूटने से उसमें मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन ज्यादा हो जाएगा, तो जो वनस्पति है वो भी क्रियाशील होती है, उसके कारण से मिट्टी का संरक्षण बना रहता है, उसी कारण से मिट्टी का अपरदन भी हो जाता है। जब मोटे जो जड़े हैं वो पृथ्वी के अंदर भाग जाती है तो वहाँ की चट्टानों को तोड़ देती है, तोड़ के दो भागों में बांट देती है, वही बहुत सारे भाग में खिंच जाती है और अपरदन हो जाता है, अपरदन हो जाता है तो अपरदन की मात्रा को बढ़ा देती है। तो वनस्पति है ये भी गतिशील है, क्रियाशील है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है, और ये भी क्या है कि जो आसपास का वातावरण है उसको संरक्षण प्रदान करती है और उसके अपरदन की मात्रा को, मतलब कुल मिला के क्या है, परिवर्तन आती है, परिवर्तन करती है, कौन करता है, वनस्पति भी परिवर्तन करता है। इसी प्रकार ये जितने भी दो नंबर इसमें पॉइंट आपका है, जो जीव जंतु है इस पृथ्वी पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं ये भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जितने भी बिलकारी जीव हैं ये भी अपना परिवर्तन लाते हैं, बिल बनाते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, खोते रहते हैं, गुफाएं बनाते रहते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी को कमजोर बना देते हैं, पोली बना देते हैं और लास्ट में टूट जाती है। तो जीव जंतु होते हैं इसमें आपने नाम सुना हो केंचुआ, जिसको किसानों का मित्र भी कहते हैं, ये मिट्टी को खाते रहता है, मिट्टी को पोली बनाता रहता है, उसकी मात्रा को क्या करता रहता है, मिट्टी को खोखली बनाता रहता है। तो ये जीव जंतु हैं जो अपना जो आवास बनाते हैं, जो गुफाएं बनाते हैं, गुफा चट्टानों को खोदते रहते हैं, जितने भी बिलकारी जीव आपके हैं वो सब क्या करते हैं, इसमें पृथ्वी के धरातल पे परिवर्तन लाते रहते हैं। जैसे आपके वर्ल्ड में गिलहरी है, ध्रुवीय भालू है, ये जितने भी आपके चूहा है ये सब क्या है, इसे पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाते रहते हैं, उनको बदलते रहते हैं, उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। इसी प्रकार से आपका लास्ट कारक है, तीसरा कारक है मानवीय शक्ति। मानवीय शक्ति भी क्या है, इस संसार में बहुत सारा परिवर्तन करती है। आपने देखा होगा कि प्रकृति ने मानव को उबड़ खाबड़ भाग दिया, मानव ने क्या कर लिया, समतल कर लिया, विभिन्न प्रकार के सुरंगें बनाना, विभिन्न प्रकार के आपके नहरें बनाना, विभिन्न प्रकार के आपके क्या है कि सड़क बनाना, नगरों का विकास करना, ये सब कार्य कौन कर रहा है, मानव। मानव भी एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है, इसे में नहर बनाता है, पुल बनाता है, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े बांध बनाता है, खदान खोदता है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन करता है। मानव क्या कि सक्रिय भौगोलिक कारक है, अपने ज्ञान तकनीकी कौशल का प्रयोग करता है और इस वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन करता है। तो मनुष्य भी क्या है, एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। अब अपन इसमें जो धन से हैं, इस प्रकार से जो परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है या गतिशीलता का सिद्धांत है,
ये एक प्रकार का सार्वभौमिक सत्य है, सार्वजनिक सत्य है कि इस संसार में चाहे निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव वस्तु हो, हर वस्तु परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती है। अतः प्रत्येक वस्तु क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता के अनुसार प्रत्येक वस्तु है उसमें परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती है, अर्थात कोई भी वस्तु स्थिर या आपकी स्थायी नहीं है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती है।